हमने वो जमाना भी देखा कि जब देश के बड़े बड़े राजनेताओं को मंदिर में जाने में शर्म लगती थी, जाते जरूर थे लेकिन छुप छुप कर जाते थे, बिना कैमरे के जाते थे, रात के समय जाते थे, सुबह जल्दी चले जाते थे, लगता था कहीं मंदिर चले गए तो हमारी सेक्युलर वोट बैंक खराब हो जाएगी। लेकिन देश में एक प्रामाणिक प्रधानमंत्री आने के बाद, जिन्होंने अपना एजेंडा गरीब कल्याण का विकास रखा, गरीबों का विकास रखा, और गरीब कल्याण का एजेंडा लेते हुए आध्यात्मिक शक्ति के साथ, पूरी सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ काम करना शुरू किया। और जब प्रधानमंत्री जी मंदिर जाने लगे, आशीर्वाद प्राप्त करने लगे, वो तो पहले भी करते थे, बड़े सहजता से जाते थे, अभी भी सहजता से जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि उसके बाद राहुल जी भी मंदिर जाने लगे, केजरीवाल जी भी हनुमान चालीसा कहने लगे, उसके बाद हमारी ममता दीदी भी चंडी पाठ करने लगी। तो मैं ये मानता हूं कि कम से कम ये तो हुआ कि अपने आप को सूडो सेक्युलर कहने वाले मंदिर जाने से जो डरते थे, बचते थे, वे सारे के सारे लोग अब ये मानने लगे कि अपने धर्म का अधिष्ठान करना, इसमें शर्म की बात कोई नहीं है, लज्जा की बात नहीं है, ये तो गर्व की बात है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे यहां आया है।